चाहिए क्या, कोर कमेटी का कोई मतलब नहीं रहा क्या है? तो ये सब चीजें जब लगी है ना तो हम बड़े आहत हुए, इसलिए हम बोले कि हम घर में बैठेंगे, अभी हम और किसी पार्टी में तो जाएंगे नहीं, लेकिन घर में बैठेंगे। हाँ, जब कहीं नेतृत्व परिवर्तन होगा, नई चीजें बढ़ेगी, अगर हमारी झूठ होगी तो हम जब कर लेंगे। कैप्टन साहब, अगर इस वक्त आपको देखिए, जो भाजपा की कमियां थी वो तो आपने सभी गिनवा दी, लेकिन अगर इस वक्त आपको अशोक कोल साहब या फिर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जी देख रहे होंगे, क्या एक अपील जो है वो उनसे आप करना चाहेंगे? मैं उनसे एक ही अपील, परिवार के मुखी हैं वो, तो मैं उनसे एक ही अपील करना चाहूंगा कि जो चीज प्रैक्टिकल नहीं हो सकती है उसके विषय में लोगों को नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठा वायदा करेंगे, गलत चीज इंटरप्रेट करेंगे, उसके लिए आने वाले समय में, क्यों आजकल लट का जमाना है, लोग ढूंढ के निकालते हैं। जैसे अध्यक्ष ने बोला कि मैं तनखा नहीं देता, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला जब बने, बहुत बढ़िया लोक प्रतिनिधि मिली के हिन्दुस्तान का एकमात्र अध्यक्ष है, एमएलए है, जो तनखा नहीं देता, लेकिन आज उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, मुझे नहीं पता कहां जाती है, लेकिन प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि एक ट्रस्ट बनाया है और ट्रस्ट में बीजेपी का हमारा कोई आदमी नहीं होता, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। परिवार के पूरे परिवार के लोग बैठे हैं ट्रस्ट में, वो पैसा कहां जाता है, क्या काम बुराई के हुए हैं, उसके विषय में पूछने का वो विषय है, उसको हम बोल नहीं सकते। आप खुद सोचो, बाला साहब ठाकरे कितना बड़ा नेता, माला पहनता था, हाथ में बीयर पीता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता था, क्योंकि उसने अपनी छवि ऐसे बनाई थी। लेकिन अगर आपने छवि बनाई है बोले सन्यासी की, और ये चीजें आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं, ये प्रश्न चिन्ह है, और इसमें कार्यकर्ताओं को जवाब देना बहुत मुश्किल लगता है, और कार्यकर्ता बहुत आहत होता है, बहुत परेशानी में पड़ता है। अगर आज योगी जी पैंट कमीज पहनेंगे, दुनिया पैंट कमीज पहनती है, लेकिन अगर आज योगी जी पैंट कमीज पहनेंगे तो मीडिया की पहली खबर बनेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी छवि ऐसी रखी है, तो छवि को बरकरार रखा है। हमारे अध्यक्ष ने जैसी उनकी छवि थी, हम बोलते हैं, हम उनको कहते थे कि हमारे पास एक ऐसा एसर्ट आया था जो दिल्ली में राजनीति करके योगी और मोदी जी के साथ का नेता बन सकता था, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के चुंगल में फंस गए कि उन्होंने हमारा तो कोड़ा किया ही किया, अपना भी कर दिया। सर, क्या आप मानते हैं सुरेंद्र चौधरी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी है ये बड़े संकट में आ सकती है, मानते हैं सर? देखो, ऐसा निशाना में तो संकट में आएगी, क्यों? हम वहां अपना बीडीसी नहीं जिता पाए, हम वहां अपना डीडीसी नहीं जिता पाए, हम अपना वहां कोई भी इलेक्शन हम सुरेंद्र चौधरी के सहयोग के बगैर नहीं जीत पाए, तो हम एमएलए जिताना मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल होगा। और सुरेंद्र चौधरी जी लोगों के साथ जुड़े हुए लीडर हैं हमारी पार्टी को, तो मैं तो बोलता हूं, एक अगर बूथ प्रेसिडेंट बूथ छोड़ता है हमारी पार्टी से निकलता है, हम उसको 2-3 साल तक कवर नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ी बात है। छोड़ रहे हैं महेंद्र सिंह जैसे, छोड़ रहे हैं तो पार्टी को नुकसान तो होगा, इसमें सामने नजर आएगा। धन्यवाद। पीछे बैठे हैं बहुत से लोग हैं जिनके पास ठेकेदारी का लाइसेंस है, एक भी आदमी तरक्की नहीं कर पाए, जबकि काम किसने किया वहां तक पहुंचाने में, इन लोगों ने किया, लेकिन जब तरक्की करने की बारी आई, ये लोग सबके सब पृष्ठभूमि में है, बहुत से ठेकेदार हैं जो आज तक कर रहे हैं, जिनके पैसे पेमेंट नहीं हो रही। आप क्यों मतलब कि भाजपा का दामन छोड़ना चाहते हैं? मैं भाजपा का दामन नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं जब तक ये सिस्टम इनके साथ है मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, ये हमारे सारे साथ, आप अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, प्रथमा मेंबरशिप रहेंगे, किसी पार्टी को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, भाजपा में रहेंगे, और ये सभी लोग भाजपा में रहेंगे। आप इसके बाद एक एक आदमी से भाग ले सकते हो, पूछ सकते हो उनसे। सर, ये एक आखिरी सवाल है, नशा मुक्त भारत के अभियान कैंप भी लगाए जाते हैं, हर चीज होती है, आपने कोर्ट के अंदर भी देखा होगा, कल रात को एक वाइन शॉप खोली गई, आप कहते हैं कि भाजपा की इंडायरेक्टली सरकार है, तो आखिर ये वाइन शॉप फिर कौन खोल रहा है, हेजिटेशन कौन खोल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, स्कूल के 5 मीटर पर दुकानें जो शराब की खुल रही है, और इसमें कुछ भाजपा के नेता भी हैं जिनके नाम पे दुकानें हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं, ऐसा हुआ, मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, ये हमारे कैप्टन महेश जी हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं हमारे, बहुत मेहनत किया, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ भी नहीं था, ये हमारे इलेक्शन के जाते मैं इनकी गाड़ी में घूमता था, ये पूरी पूरी रात इन लोगों ने काम किया है। ये एक आदमी को लेकर आए हमारे अध्यक्ष के पास, जाग उंगली में हम बैठे थे, मैं साफ करता था, उसकी वाइन शॉप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी वाइन शॉप बंद हो गई, तो कैप्टन साहब ने मेरे को बोला, आप बोले मैं नहीं बोलूंगा, ये मांगू है नहीं किसी की, तो आप बोले, इन्हें बोला साहब इसकी वाइन शॉप है, इसको 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसकी वाइन शॉप खोलने दो। उसने बोला कैप्टन साहब मेरा खून ले लो, निकालो उसने मेरा खून ले लो, मेरी किडनी ले लो, लेकिन मैं वाइन शॉप नहीं खोलने दूँ। हमें आज सबसे बड़ा अफसोस कब आया, जितनी भी वाइन शॉपें खुली हैं उसमें जितनी भी इधर खुली हैं, मैंने उसका मैं प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई अफसर तो हूँ, मुझे कोई डॉक्यूमेंट देगा नहीं, लेकिन ये एलिगेशन है कि जितनी भी वाइन शॉपें खुली हैं सब में इनके परिवार का हिस्सा है, और इनका भाई जो यहाँ एसएसडी में, वो जब यहाँ रहता था, वो जो वाइन शॉप वाला बंदा उसी की गाड़ी में घूमता था, उसी के पास रहता था, तो वाइन शॉप अगर कार्यकर्ता खोले तो बहुत खराब।
तो आपको क्या लगता है कि अभी भाजपा कार्यालय में क्या मनमानी चलती है? बिल्कुल मनमानी चलती है। किसकी चलती है आपको? देखो जी, किसकी चलती है, जो सबसे बड़ा होता है उसी की चलती है। घर में अगर बाप बड़ा है तो बाप भी चलेगी। आप ये खुद सोचो कि हमारा जो कार्य पद्धति है, हम किस लिए आज परेशान है? हम तो बड़े अनुशासन वाले बंदे हैं, हम तो ऐसी बात करते नहीं है, लेकिन परेशान किस कारण होंगे? हमारी जो कार्य पद्धति करने की, हम सबसे पहले क्या करते हैं, बूथ के ऊपर एक टीम भेजते हैं जिले से, जो बूथ प्रेसिडेंट चुनती है। फिर बूथ प्रेसिडेंट सब जो है वो किया कि पहले इलेक्शन हुए DDC के, उसमें भी उन्होंने अपने जो है बाबू जी को आगे किया, उसके बाद अब रिकी वो भी भाजपा में शामिल हुए, इस पर क्या कहेंगे, कितने से चाहिए? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, परिवारवाद कोई समस्या नहीं है अगर वो परिवार पार्टी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। जब राणा साहब के इलेक्शन हुए, हमारे अध्यक्ष जी के इलेक्शन हुए MLA के, ये परिवार कहीं भी फ्रंट लाइन में नहीं आया। उसके बाद जब BDC के इलेक्शन हुए, तब भी इनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में, क्षेत्र में कोई इंटरफेंस नहीं था। तो हमें ये लगा कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, ये तो परिवारवाद से बहुत ऊंचे हैं, इनका तो आएगा ही कोई नहीं परिवार। BDC का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हमारा कैंडिडेट हारा, और जो जीता वो भी हमारा कैंडिडेट था, लेकिन उसको जानबूझ के किनारे किया गया। विकास शर्मा बहुत ही अच्छा हमारा वर्कर था, उसको टिकट नहीं दी गई। प्रेशर डाला गया कि इसका नाम टिकट में काट दो, हमारे ऊपर डाला गया कि इसका टिकट में नाम नहीं देना, और जिस दिन वो जीत के गया उसी दिन उसको भाजपा ज्वाइन करा दी। और मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, आप देख के हैरान लग जाओगे, कोई भी अध्यक्ष कहीं भी ये हरकत नहीं करता है। ये देखो आप, विकास जी को अध्यक्ष जी ने अपनी कुर्सी के ऊपर बढ़ाया हुआ, ये विकास शर्मा है। ये जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है जम्मू में, जिसको साथ हम टच नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, उसके ऊपर ये बैठा हुआ है। ये आपको काफी मिल सकती है। फिर उसको जब अपने साथ मिलाया, और बाद में जब उसने थोड़ा सा इनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी देनी शुरू की, वो जो क्रशर लगे थे उनके बारे में शुरू किया, और 2 दिन के अंदर इसको सस्पेंड करा दिया। वही रेजुलेशन खड़ा बल्ली के सरपंचों ने डाला, 7 में से 5 सरपंचों ने लेके दिया, ये खड़ा बल्ली का मेरे पास रेजुलेशन है, हम अखनूर से लेके आए हैं। ये देखो, ये 5 सरपंचों ने साइन करके दिया, ये आज तक पेंडिंग है। ये यानी लंबेड़ी वाले पर 2 दिन के अंदर एक्शन हो गया, क्यों? कि उसमें परिवार को परेशानी हो रही थी। और जो खड़ा बल्ली वाला था, वो आज 2 साल हो गया है, वो फाइल कभी DC साहब के दफ्तर चली जाती है कभी, और इसको रात को खाली करा के रात को ताला लगाया गया। तो ये जो दोहरी राजनीति है, इससे हम लोग बड़े परेशान थे। सर, सुरेंद्र चौधरी के द्वारा भी ये करप्शन को लेकर एक बड़ा प्रहार जो भारतीय जनता पार्टी पर किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर, कितनी सच्चाई है इसमें? देखो, करप्शन की जहां तक बात है, देखो हर राजनीति परिवार तरक्की करते हैं जब राजनीति में आते हैं, लेकिन उनके साथ कार्यकर्ता भी तरक्की करते हैं। ये तो प्रश्न चिन्ह का विषय है कि जो DDC के, उसमें भी उन्होंने अपने जो है बाबू जी को आगे किया, उसके बाद अब रिकी वो भी भाजपा में शामिल हुए, इस पर क्या कहेंगे, कितने से चाहिए? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, परिवारवाद कोई समस्या नहीं है अगर वो परिवार पार्टी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। जब राणा साहब के इलेक्शन हुए, हमारे अध्यक्ष जी के इलेक्शन हुए MLA के, ये परिवार कहीं भी फ्रंट लाइन में नहीं आया। उसके बाद जब BDC के इलेक्शन हुए, तब भी इनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में, क्षेत्र में कोई इंटरफेंस नहीं था। तो हमें ये लगा कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, ये तो परिवारवाद से बहुत ऊंचे हैं, इनका तो आएगा ही कोई नहीं परिवार। BDC का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हमारा कैंडिडेट हारा, और जो जीता वो भी हमारा कैंडिडेट था, लेकिन उसको जानबूझ के किनारे किया गया। विकास शर्मा बहुत ही अच्छा हमारा वर्कर था, उसको टिकट नहीं दी गई। प्रेशर डाला गया कि इसका नाम टिकट में काट दो, हमारे ऊपर डाला गया कि इसका टिकट में नाम नहीं देना, और जिस दिन वो जीत के गया उसी दिन उसको भाजपा ज्वाइन करा दी। और मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, आप देख के हैरान लग जाओगे, कोई भी अध्यक्ष कहीं भी ये हरकत नहीं करता है। ये देखो आप, विकास जी को अध्यक्ष जी ने अपनी कुर्सी के ऊपर बढ़ाया हुआ है, ये विकास शर्मा है। ये जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है जम्मू में, जिसको साथ हम टच नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, उसके ऊपर ये बैठा हुआ है। ये आपको काफी मिल सकती है। फिर उसको जब अपने साथ मिलाया, और बाद में जब उसने थोड़ा सा इनके परिवार के खिलाफ
बयानबाजी देनी शुरू की, वो जो क्रशर लगे थे उनके बारे में शुरू किया और दो दिन के अंदर इसको सस्पेंड करा दिया। वही रेजुलेशन खड़ा बल्ली के सरपंचों ने डाला, सात में से पांच सरपंचों ने लेके दिया, ये खड़ा बल्ली का मेरे पास रेजुलेशन है, हम अखनूर से लेके आए हैं। ये देखो ये पांच सरपंचों ने साइन करके दिया, ये आज तक पेंडिंग है, ये यानी लंबेडी वाले पर दो दिन के अंदर एक्शन हो गया। क्यों? कि उसमें परिवार को परेशानी हो रही थी, और जो खराब अली वाला था वो आज दो साल हो गया है, वो फाइल कभी डीसी साहब के दफ्तर चली जाती है कभी, और इसको रात को खाली करा के रात को ताला लगाया गया। तो ये जो दोहरी राजनीति है इससे हम लोग बड़े परेशान थे। सर सुरेंद्र चौधरी के द्वारा भी ये करप्शन को लेकर एक बड़ा प्रहार जो भारतीय जनता पार्टी पर किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर, कितनी सच्चाई है? देखो करप्शन की जहां तक बात है, देखो हर लोग हर राजनीति परिवार तरक्की करते हैं जब राजनीति में आते हैं, लेकिन उनके साथ कार्यकर्ता भी तरक्की करते हैं। अब मुझे पता लग रहा है कि वो वीडियो बनाने में, लेकिन क्या लगता है कि भाजपा जो सपने जम्मू कश्मीर की जनता को दिखा रही है, क्या लगता है कि वो सपने जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के पूरे होंगे या नहीं होंगे? देखिए जब भी उनसे सवाल किया जाता है तो जवाब सिर्फ एक ही होता है कि हमारी सरकार लाई है, उसके बाद देखिए काम कैसे होते हैं। आखिरकार क्या इंतजार सरकार बनने का किया जा रहा है या फिर किसी होता है? देखिए ऐसे सरकार का बनना तो बहुत ही जरूरी है किसी की भी बने, लेकिन यहाँ तक भाजपा की सरकार है, लगभग अगर हम हर अच्छे काम का क्रेडिट हम लेते हैं, अगर ये टनल बन रहा है तो हम क्या बोलते हैं, हम बना रहे हैं, अगर कोई रोड बन रहा है तो कौन बना रहा है, हम बना रहे हैं, अगर कोई खराब काम होता है तो वो तो हमारे खाते में आएगा, कहाँ जाएगा वो? एलजी साहब के खाते में जाएगा? वो नहीं जाएगा ना एलजी साहब के खाते में, तो वो अपनी जिम्मेवारी से बाहर नहीं जाएगा। मतलब आप इस चीज को मानते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर को अगर कोई चला रहा है तो वो भाजपा? हाँ बिल्कुल भाजपा चला रही है, ये आप खुद कह रहे हैं? बिल्कुल चला रही है, चलाने ही जो चाहिए, गृह मंत्री के अंडर आते हैं अपने गवर्नर साहब की सारी रिपोर्ट गृह मंत्री को होती है, गृह मंत्री भाजपा के हैं और वो पूर्व दो बार के हमारे अध्यक्ष रहे हैं और बहुत ही बिजनेस लीडर हैं, उनके ऊपर तो प्रश्न को नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता हैं वो तो अभी भी यही कहते हैं कि ये सरकार लाएगी, अगर देखो सरकार अभी भी आप चला सकते हो तो फिर सरकार लाने का इंतजार क्यों किया जा? देखिए ऐसा है, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, फिर भी मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा। जहां तक हम सुंदरबनी की बात करेंगे, सुंदरबनी के साथ जितना सौतेला व्यवहार, जितना हमको जिसको बोलते हैं डोगरी भाषा में रगड़ा दिया है हमारी सरकार ने, इतना आज तक ना एनसीने दिया है ना काम सुन लिया। हम सब लोग जो यहाँ बैठे थे, हम हर आदमी के दरवाजा खटखटाया हमने जाकर, हमारे पास चिट्ठियां हैं कि सुंदरबनी वालों ने अलग काम सूची हम नहीं मांग रहे हैं, अगर बन सकती है तो हमारी अलग करना, हमारा हिस्सा मत काटना, हमको डिवाइड मत करना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारी सात पंचायतें कहीं और लगा दी गई, आधा हिस्सा कहीं और लगा दिया गया। पिछले 70 साल से हम निशारा, हमारा बड़ा भाई था, हम छोटे भाई थे, हमने लगभग उसको स्वीकार कर लिया था कि हमारा बड़ा भाई है, लेकिन अब हमारे पास हमारी म्यूनिसिपल कमेटी कई सालों से बनी हुई है, वजीर कमीशन ने सुंदरबनी को विधानसभा देने का रिकमेंड किया था, और कौन सा कमीशन है, बलोरिया कमीशन जो बैठा था उसने भी सुंदरबनी को रिकमेंड किया कि सुंदरबनी को कंस्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाए, लेकिन खन्ना मंडी की कोई डिमांड ही नहीं थी, और हमको आप किसके नीचे लगा दिया गया, कालाकोट के नीचे लगा दिया गया, और साथ में हमारे 14,000 गोल कार्ड के निशारे के साथ लगे। इसका मतलब कि हम आगे वाले आने वाले समय में कभी भी हम ना तो दावा पेश कर पाएंगे कंस्टिट्यूशन का और ना ही अपना एमएलए बना पाएंगे। सर जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी के बाद महेंद्र सुदन ने ही परिवारवाद के ऊपर टिप्पणी जो है वो की है कि पहले इलेक्शन पूरी बिल्डिंग बनी है वो किसी की प्राइवेट है या किसकी है, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि वो वीडियो ब्लॉग में बना। लेकिन क्या लगता है कि भाजपा जो सपने जम्मू कश्मीर की जनता को दिखा रही है, क्या लगता है कि वो सपने जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के पूरे होंगे या नहीं होंगे? देखिए जब भी उनसे सवाल किया जाता है तो जवाब सिर्फ एक ही होता है कि हमारी सरकार लाई है, उसके बाद देखिए काम कैसे होते हैं। आखिरकार क्या इंतजार सरकार बनने का किया जा रहा है या फिर किसी होते हैं? देखिए ऐसे सरकार का बनना तो बहुत ही जरूरी है किसी की भी बने, लेकिन यहाँ तक भाजपा की सरकार है, लगभग अगर हम हर अच्छे काम का क्रेडिट हम लेते हैं, अगर ये टनल बन रहा है तो हम क्या बोलते हैं, हम बना रहे हैं, अगर कोई रोड बन रहा है तो कौन बना रहा है, हम बना रहे हैं, अगर कोई खराब काम होता है तो वो तो हमारे खाते में आएगा, कहाँ जाएगा वो? एलजी साहब के खाते में जाएगा? वो नहीं जाएगा ना एलजी साहब के खाते में, तो वो अपनी जिम्मेवारी से बाहर नहीं जाएगा। मतलब आप इस चीज को मानते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर को अगर कोई चला रहा है तो वो भाजपा? हाँ बिल्कुल भाजपा चला रही है, ये आप खुद कह रहे हैं? बिल्कुल चला रही है, चलाने ही जो चाहिए, गृह मंत्री के अंडर आते हैं अपने गवर्नर साहब,
गवर्नर साहब की सारी रिपोर्ट गृह मंत्री को होती है, गृह मंत्री भाजपा के हैं और वो पूर्व दो बार के हमारे अध्यक्ष रहे हैं और बहुत ही बिजनेस लीडर हैं, उनके ऊपर तो प्रश्न नहीं कोई लगाया जा सकता। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता हैं वो तो अभी भी यही कहते हैं कि ये सरकार लाएगी। अगर देखो सरकार अभी भी आप चला सकते हो तो फिर सरकार लाने का इंतजार क्यों किया? देखिए ऐसा है, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, फिर भी मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा। यहां तक हम सुंदरबनी की बात करेंगे, सुंदरबनी के साथ जितना सौतेला व्यवहार, जितना हमको जिसको बोलते हैं डोगरी भाषा में रगड़ा दिया है हमारी सरकार ने, इतना आय तक ना एनसीने दिया है ना काम सुनिए। हम सब लोग जो यहाँ बैठे थे, हम हर आदमी के दरवाजा खटखटाया हमने जाकर। हमारे पास चिट्ठियां हैं कि सुंदरबनी वालों ने अलग काम सूची, हम नहीं मांग रहे हैं, अगर बन सकती है तो हमारी अलग करना, हमारा हिस्सा मत काटना, हमको डिवाइड मत करना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारी 7 पंचायतें कहीं और लगा दी गई, आधा हिस्सा कहीं और लगा दिया गया। पिछले 70 साल से हम निशारा, हमारा बड़ा भाई था, हम छोटे भाई थे, हमने लगभग उसको स्वीकार कर लिया था कि हमारा बड़ा भाई है। लेकिन अब हमारे पास हमारी म्यूनिसिपल कमेटी कई सालों से बनी हुई है, वजीर कमीशन ने सुंदरबनी को विधानसभा देने का रिकमेंड किया था, और कौन सा बलोरिया कमीशन जो बैठा था उसने भी सुंदरबनी को रिकमेंड किया कि सुंदरबनी को कंस्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाए। लेकिन खन्ना मंडी की कोई डिमांड ही नहीं थी और हमको आप किसके नीचे लगा दिया गया, काला कोर्ट के नीचे लगा दिया गया और साथ में हमारे 14,000 कोर्ट काट के निशारे के साथ लगे। इसका मतलब कि हम आगे वाले आने वाले समय में कभी भी हम ना तो दावा पेश कर पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का और ना ही अपना एमएलए बना पाएंगे। सर जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी के बाद महेंद्र सुजन ने परिवार, सबसे बड़ा धोखा हमारे सुंदरबनी के लोगों के साथ तब हुआ जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन काटी गई। शुक्रवार में सुबह के समाचार आए उसमें सुंदरबनी का नाम था, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बारी आई, जबकि सबसे पावरफुल रैंक और सबसे पावरफुल चेयर पर हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए थे और उनको सुंदरबनी के लोगों ने ही जिताया था, लेकिन जब सुंदरबनी का नाम काटा गया हमारे लोगों में सख्त रोष है और लोग इतने परेशान हुए, हमको घर से निकलना मुश्किल कर दिया क्योंकि हमने बताया हुआ था सुंदरबनी मर रही है। और हमको ऐसे लगा कि इस हालात में हम यहां काम करना, हमारे लोगों को काम करना बहुत कठिन होगा। और बहुत सी घटनाएं हैं, बीडीसी के इलेक्शन हुए, अलग अलग लोगों को बता दिया गया, बीडीसी के इलेक्शन हुए उनमें भी ऐसे राजनीति, ओछी राजनीति की गई, सस्ती लोकप्रिय हासिल करने के लिए किए गए जो जिसको हम लोग नहीं बचा पाए। अब पीछे देखो तो थोड़े दिन से ऐसा बवाल मचा हुआ, हर चैनल पर आ रहा है कि अध्यक्ष जी ने अपने घर में वो बनाया है, हाल बनाया है, 90 लाख रुपया दिया है। लोग प्रश्न कर रहे हैं हमसे, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमारे पास यहाँ एक हमारे 3 लोग शहीद हुए हैं। सुरेंद्र चौधरी जी ने तो ये भी आरोप लगाए थे कि जो आपके अध्यक्ष हैं और जो साथ में टोल साहब हैं वो दोनों जो है वो मिलकर करप्शन करते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप भी भाजपा के कार्यकर्ता रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि जो सुरेंद्र चौधरी जी ने आरोप लगाए हैं वो वाकई में सच है या नहीं? देखो जी, अशोक पुल जी के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें कोई उनके साथ ऐसा डिफरेंस लगा नहीं। अध्यक्ष जी का भी हम करप्शन का तो नहीं बोलते, लेकिन जो सिस्टम के साथ उनने काम करने का जो उनका तरीका है वो बहुत शॉर्टकट तरीका है, उसमें कार्यकर्ताओं को बहुत मुश्किल आती है जवाब देने में। जबकि आप खुद सोच सकते हैं अगर वो 90 लाख का हाल घर में बनाया है, सबसे पहले वो चिंता का विषय ये है कि जब गाइडलाइन है कि निधि जो एमएलए की या एमपी की जो उनकी विकास निधि होती है उसका 10 लाख से ज्यादा एक जगह लग ही नहीं सकता, तो सबके बड़ा प्रश्न पड़ता है इंक्वायरी का कि 90 लाख के किस अवसर ने दिया, वो 90 लाख एक प्रोजेक्ट में कैसे चला गया, जबकि हमें उसका राजनीतिक तौर पर कोई फायदा नहीं है और ना ही पॉलिटिकल, ना ही उनके परिवार को कोई फायदा है, ना ही उस गांव को, उस हाल का कोई फायदा है। लेकिन उस हाल की जगह अगर ये शहीदों की जगह बनती, हमारी पार्टी बहुमत से जीतती। हमें बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है जब हम इधर से जाते हैं, आप देखिए जाकर शहीदों का स्मारक आप इधर से खत्म होने के बाद जाकर लेकर कैमरे में देखना क्या हाल है। जो 3 लोगों ने यहां जान दी है उनके नाम से 2 कनाल जमीन हलाती, किसी भी हमारे नेता ने इनिशिएटिव लेकर वो ना जगह खाली कराई।